नाकिस तफ्तीश और नाकिस प्रोसिक्यूशन की वजह से मुल्जमान बासानी अदालतों से बरी हो जाते हैं। इसके जिम्मेदार कौन हैं? मुल्जमान सजाओं से बच रहे हैं जिससे जराइम पेशा अनासिर की मजीद मुजरमाना सरगर्मियाँ जारी रखने की हौसला अफजाई हो रही है और वो अपनी रिहाई के बाद पहले से ज्यादा एतमाद और सफाकियत से डकैती की वारदातों में लग जाते हैं। यही वजह है कि शहरियों में खौफ और अदम तहफ्फुज़ बढ़ता जा रहा है। प्रोसिक्यूशन को मैं इसमें जिम्मेदार नहीं समझ रहा, क्योंकि जब आप केस ही कमज़ोर बनाएंगे, उसमें कोई गवाह आपके पास नहीं है। बेशतर केसेस में पुलिस के अपने ही गवाह होते हैं। प्राइवेट गवाह की अहमियत जो है वो अलहदा होती है। अगर प्राइवेट गवाह होता है तो उसकी अहमियत और होती है। जब तक आप मजबूत केसेस नहीं बनाएंगे, जब तक प्रोसिक्यूशन उन्हें सज़ा कैसे देगी? दूसरा ये है कि पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जो आदि मुलजिम हैं, जो पहले पकड़े जा चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को बार बार पकड़ती है और उनका वो फिगर बढ़ा रही होती है कि जी ये 10 दफ़ा पकड़ा जा चुका है, ये 12 दफ़ा पकड़ा जा चुका है। जो नए लोग इसमें क्राइम में आ रहे हैं, नए ग्रुप्स आ रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए हमें पुलिस की कोई एफर्ट्स नज़र नहीं आती। पुलिस अमूमन ये करती है कि जब किसी मुलजिमान को गिरफ्तार करती है तो उनके पास से जो असलहा रिकवर होता है तो उस असलहे को भी चेंज किया जाता है। इसके अलावा अगर मुलजिम खुद भी ये एतराफ़ कर रहा है कि उसने ये क्राइम किया है, तो पुलिस जो है वो पैसे लेकर उन लोगों के क्राइम को छुपाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो आगे मुलजिमान को सज़ा दिलाने के लिए नाकाफ़ी होती हैं, या मुलजिमान को कुछ मुलजिमान को पुलिस हिरासत में लेकर जो है उन्हें रिहा कर देती है और उन्हें केसेस में बाद में मफरूर भी कर दिया जाता है ताकि अपने ऊपर उनके कोई बात ना आ सके। परफेक्ट ना तफ्तीशी निज़ाम है, ना आपका प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, ना आपका सरकारी वकील कॉम्पिटेंट है और ना आपका तफ्तीशी अहलकार, क्योंकि आपका जो पुलिस अहलकार है वो भी पॉलिटिसाइज है, वो भी पैसे देकर आया है, और आपका जो सरकारी वकील है बहुत मात्रा के साथ सरकारी वकला की बड़ी तादाद अब सियासी जमातों के, जो सियासी जमात सूबे के अंदर हुक्मरान होती है, उन्हीं के जो लोग होते हैं वो उसमें प्रोसिक्यूशन के अंदर आ जाते हैं, और सरकारी वकला के अंदर हद तक के विफाक के जानिब से जो नुमाइंदे सरकार के वकला होते हैं वो भी होते हैं। उनमें से कई को हमने देखा है कि उनको अंग्रेज़ी भी उस तरह नहीं आती बोलना जो कोर्ट के अंदर होती है। वैसे तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप उर्दू में कर दें सब कुछ, लेकिन आप उर्दू में नहीं कर रहे तो आप ऐसे फर्द को भेजें ना जो अंग्रेज़ी में वहाँ पर अपना केस पुट कर सके। तो ये इशूज़ हैं, तो मैं इसको दोनों तरफ से कहता हूँ। लेकिन एक तफ्तीशी अहलकार या पुलिस अहलकार पर ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा आयद होती है क्योंकि उसका काम इनिशियल होता है, और क़ानून के अंदर बहुत छोटे छोटे जो आपकी जो कहते हैं आप गलतियां होती हैं ना, बहुत छोटी सी गलतियां होती हैं। एक पिस्तौल उसके करीब से पड़ा हुआ था और एक पिस्तौल उसके पास से बरामद हुआ, तो बरामदगी आपने शो की, आपने मुद्दे को मुतमिन कर दिया, बरामद हो गया, मैंने इसके पास से पिस्तौल बरामद किया, लेकिन आपने डिटेल में लिखा, चालान में लिखा कि जनाब उसके करीब पिस्तौल पोल के पास ये गिरा पड़ा था, आवाम ने उसको मारा था और करीब में इसके पिस्तौल पड़ा हुआ था। अब आवाम में से कौन जाएगा गवाह बनने, और जो गवाह बनने जाएगा वो कितना खौफ में होगा। और फिर सरकारी वकला के बाद हम अदालतों में जाते हैं तो अदालतों में हड़तालें, बेतहाशा वकला को हर तीसरे दिन आके वकला एडजेंट हो जाते हैं। मुद्दई नौकरी पेशा है, मुद्दई अपना तिजारत करता है, मुद्दई रोज़ाना नहीं आ सकता, मुद्दई को आपने कम से कम जितना दे सकते हैं, फिर आप अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इतने सारे मसाइल हैं। इसलिए ये दोनों बिल्कुल आप 50-50% कर लें इनको, लेकिन ज़्यादा ज़िम्मेदारी पुलिस पर इसलिए होती है कि उनको ट्रेंड रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाना चाहिए, या उन वो दावा करते हैं कि हमारा काम अमन अमान कायम करना है, वो पकड़ते नहीं हैं, या पकड़ते हैं तो फिर इस तरह केस कोर्ट होता है। पार्ट से प्रोसिक्यूशन का पार्ट सा इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन से पहले होती है। आज भी उन्हें अंग्रेज के दौरों वाले उसी पे चल रहे हैं, और इंटीरियर में तो यहाँ तक आदमी कुत्तों को लेके जाते हैं और उसके फुटप्रिंट वगैरह दिखा के, और जी उस पर काम हो रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन हमारी डिपार्टमेंट जो है, जबकि अब अच्छी बात है कि जो पहले SHO के तहत ही होता था कि जी FIR भी वही लॉन्च करे और इन्वेस्टिगेशन भी, अब अलग डिपार्टमेंट हो गए, लेकिन उसमें भी अभी बेहतरी की ज़रूरत है, और उसमें अभी लिए हैं हमारे लॉ ग्रेजुएट्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, लेकिन इसको अभी भी इम्प्रूव करने की बड़ी ज़रूरत है, और अच्छे अच्छे अफसरान को रखा जाए, और उसमें भी बड़ी जिद्दत आ गई है। इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रोगेशन के दौरान सिर्फ मारपीट ये नहीं पहले वाला होना चाहिए, इंस्ट्रोगेशन का होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से होना चाहिए।
चाहिए, उसमें भी बेहतरी की जरूरत है हमें। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट में चारों पार्ट जब नाकाम हो जाए उसके बाद इंसाफ नहीं मिलता। सबसे पहले इंसाफ होता है, आप बिलीव करते हैं कि जजेज इंसाफ देंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और कंप्लेनेंट जो है ना वो अपना एक दफ़ा FIR लॉन्च कराने के बाद वो इंटरेस्ट नहीं लेते। इंटरेस्ट लेने के बाद जब एक दफ़ा प्रोसिक्यूशन के पास आ जाता है तो इन्वेस्टिगेशन नाकस होती है, इसलिए जजेस सही फैसले नहीं कर पाते। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन फ्री फेयर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, तो प्रोसिक्यूशन को चांस मिलेगा उसको कि वो फेयर फैसले कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस 40 साल की क्रिमिनल प्रैक्टिस में देखा है, समझा, सोचा कि अब इंसाफ की फराहमी में तवालत से दूर होता जा रहा है, आवाम को, लिटिगेंट्स को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो हमने कोशिश की हमेशा, जब मैं बार का सेक्रेटरी था 2007-8-9 में, उसके बाद मैं 5 दफ़ा सदर भी रहा, उसमें हमने कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के ताल्लुकात अच्छे हों, पढ़े लिखे लोग जो है तफ्तीश करें। लेकिन नाकिस तफ्तीश की वजह भी ये है, एक तो करप्शन है, दूसरी चीज़ ये कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है। मेरिट की वो तमाम चीज़ें जो केस में रिकवर करनी चाहिए होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं और बर वक्त होती हैं, 164 का बयान है, आइडेंटिफिकेशन परेड है, और उसके बाद मौका मायना है, उसके बाद रिकवरी है, वो तमाम चीज़ें तसलसल से, काहली की वजह से, सुस्ती की वजह से, या मालाफाइडली पैसों के लालच में प्रॉपर तफ्तीश नहीं होती। इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हम महसूस करते हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा। अब उसके बाद प्रोसिक्यूशन आ जाती है, प्रोसिक्यूशन भी इतनी अहल नहीं है हमारे यहाँ जितना उनको मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। पहले हमारे हाईकोर्ट के जजेस मॉनिटरिंग करते थे सालों से 15 साल से, तो मैं बार पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, सदर सेक्रेटरी मेंबर बार काउंसिल की हैसियत से मैं देखता हूँ, 15 साल में अब कोई विजिट नहीं होता। सरप्राइज विजिट होते थे, हाईकोर्ट के जजेस हर कोर्ट में आके विजिट करते थे, वो देखते थे कि इंसाफ किस तरह चल रहा है, लोअर कोर्ट में आवाम को शिकायत तो नहीं है, कैदियों को शिकायत तो नहीं है, मजिस्ट्रेट का स्टाफ पूरा है, प्रोसिक्यूशन का स्टाफ पूरा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वाले कोर्टों में आगे बयान देते हैं, एविडेंस में कंप्लेनेंट और उसके गवाह इंटरेस्ट लेते हैं, वो तमाम चीज़ें अब नहीं है। अब इसको सरप्राइज विजिट करने वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद अब जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बिल्कुल नाहल तरीन है, वो बिल्कुल काम नहीं करती जो काम करना चाहिए। इसी तरह प्रोसिक्यूशन में भी सिफारशी लोग आके बैठ गए, उसमें भी उनकी नाली है कि वो जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करके कन्विक्शन की तरफ जाए। हमारा कन्विक्शन रेट 10% भी नहीं है, 5% कन्विक्शन रेट जो है वो है प्लीट गिल्टी का, 5% जस्टिस मिलता है, इंसाफ मिलता है, 90% में तो इंसाफ इसलिए नहीं मिलता, ना गवाह आते हैं, ना एविडेंस होती है, ना मटीरियल एविडेंस जो है वो भी रिकवर नहीं होता, या इंटरेस्ट नहीं लेते। इसीलिए देखें, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बर वक्त तफ्तीश में अगर आइडेंटिफिकेशन और 164 का सहारा ले तो वो एविडेंस पक्की हो जाती है। इसी तरह हमारे मजिस्ट्रेट साहबान, उनको IO को इसलिए रिमांड नहीं देते तफ्तीश में, उनको तफ्तीश के लिए उनके पास कोई पहले दिन का मटेरियल ही नहीं होता। पहले दिन जब अक्यूज को अरेस्ट किया जाए उसके बाद उसका असला है या कोई मर्डर की छुरी है या पिस्टल है, वो तमाम चीज़ें रिकवरी करके वो शो करें कि हमने ये करना है, या फिर वो उसकी दरख्वास्त हो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कि हम 2-3 दिन में इसका जो है 164 या कन्फेशन स्टेटमेंट कराना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ों से वो इन्वेस्टिगेशन लाभ अलग है, वो करना ही नहीं चाहते। उनको दोनों साइडों से पैसे मिल जाते हैं, एक कहता है केस हल्का कर दो, एक कहता है केस भारी कर दो, इसलिए दोनों तसलसल से, दोनों तरफ से तफ्तीश अफसरान पैसे लेके काम नहीं करते। उनकी मॉनिटरिंग के लिए SSP, DIG, इन्वेस्टिगेशन अलहदा अलहदा हैं। अब उनकी शिकायत ये है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, हम एक केस को फॉलो करते हैं, हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों रुपये खर्च होते हैं, हमें कोई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट वाले पैसे नहीं देते, ये उनकी शिकायत जायज़ है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिलता, अगर वो 12-13 हज़ार रुपये में एक केस कहाँ से बनाएंगे, इतना तो आने जाने का उसका किराया ही हो जाता है। मुल्जमान को 2-3 दफ़ा अगर रिमांड पर लेके जाते हैं तो इतना पैसे खर्च हो जाते हैं। उनको इन्वेस्टिगेशन वालों को इतना गाड़ियों की सहूलत है ना, उनके पास हाउस रेंट है ना, कोई घर है ना कोई, वो बिल्कुल इस शहर में रहमो करम पे हैं जराइम पेशा अफराद के।